नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ज होता है और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। आज की वीडियो में हम लेके आए रेडमी नोट 8 प्रो के कवर्स। या दोस्तों, ये कवर्स की सीरीज है जो लगभग 3 वीडियोस में आएगी। हमने इसके लिए 13 कवर्स पिक किए हैं, बट अगर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट बना तो हम शायद चौथी वीडियो भी बनाए। एक और चीज़ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रिसेंटली हमने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस डाली हैं, जैसे कि वीवो Z1X का लॉन्ग टर्म रिव्यू। ये एक 45 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको एंड टू एंड एवरीथिंग मिलेगा। रैम मैनेजमेंट, चार्जिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट, कैमरा सैंपल्स कैसे हैं, चाहे वो डे हो, इवनिंग हो, नाइट शॉट्स हो, इनडोर शॉट्स हो, सब भी। उसके अलावा हमने रेडमी नोट 8 प्रो का भी एक डिटेल्ड वर्जन बनाया है जो कि फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे है। ये 30 मिनट की वीडियो है जिसको हमने रियलमी XT के साथ भी कंपेयर किया। हमने डिस्प्ले परस्पेक्टिव से, ऐप ओपनिंग परस्पेक्टिव से, रैम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से, इनफैक्ट कैमरा के परस्पेक्टिव से भी इसको हमने कंपेयर किया रियलमी XT से। तो आप इस वीडियो को भी देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगी। इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो आई एम श्योर आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। और अगर इस चैनल के लिए आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए फॉर ऑल, और एक बार हमें मौका ज़रूर दीजिए, एक बार वीडियोस को देखिएगा। मैं समझता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, इनफैक्ट कुछ क्वेरी होगी तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। आपका फीडबैक हमेशा हमें हेल्प करता है, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि यू आर द फ्यूल टू अस। इसी नोट पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी लेंथी रहेगी क्योंकि 7 कवर्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज 2 या 3 मिनट भी लगे तो लगभग 21 मिनट तो कवर्स के लिए हो जाते हैं। तो प्लीज़ बेयर विद अस, बट हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी कि आपके लिए वन स्टॉप शॉप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एजेस स्मूदन आउट है। कहीं पे आपको ऐसा टच नहीं मिलेगा जहां पे एजेस स्मूदन आउट नहीं किए गए हों, जो कि कभी कभार टेम्पर्ड ग्लास को उखाड़ डालते हैं। अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो ये डिसेंटली थिक है, इनफैक्ट इट्स गुड। आपको यहाँ पे बम्पर्स मिलेंगे जिनके कारण ये कवर फेमस है। यहाँ पे बम्पर थोड़ा सा कम उठा है एज कम्पेयर टू, आप यहाँ से देखें तो, अगर ये थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा उभरा होता तो बढ़िया होता। नेवरदलेस आपको इंटरनली वर्टिकल स्टैक्स मिल जाते हैं, आप ये देख रहे हैं। इससे ये जब फ़ोन गिरता है, एज इन अगर आप फ़ोन गिराते हैं तो बम्प को सोखने में बहुत हेल्प करते हैं, और बेजल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। रियर की तरफ देखें तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको एक रिंग भी मिल जाता है, डिस्पाइट जिसकी अपनी डेप्थ है वो तो है ही है, उसके ओवर एंड अबव आप देख सकते हैं कि एक उभार है, जो कि एक अच्छी बात है। आपको कोई पोर्ट क्लोजर इस कवर में नहीं मिलेगा, ना ही बॉटम में, ना ही टॉप पे। आइए इसे पुट ऑन करते हैं फोन को और एक फाइनल कॉल ले लेते हैं। हमने कवर पुट ऑन कर लिया है, आइए देखते हैं एक बार लुक्स। आप देख सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कवर है, लुक्स ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहती हैं। मैंने ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि मैं अभी एक चीज दिखाऊंगा दोस्तों। आप देखिएगा ये जो फ्रिक्शन बेस्ड ग्रूव्स हैं ये थोड़े से विजिबल हैं, तो ओवरऑल थोड़ा सा लुक को ये इंपैक्ट कर रहे हैं। पर हाँ, एग्जैक्टली कवर्ड से तो फिर भी बहुत अच्छा है। द स्क्रीन प्रोटेक्शन इज ऑल्सो ग्रेट, आपको बहुत अच्छी कैमरा प्रोटेक्शन मिलती है। स्टिल मैं यही कहूंगा कि आप एक बारी को इस पे टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगवाइएगा एज एन कैमरा प्रोटेक्टर, चांस लेने से बहुत अच्छा है दोस्तों। यहां पे जो बटन्स हैं ये कवर्ड नहीं है, इनको भी अगर आप लैमिनेट करा लें, नहीं तो वियर एंड टियर के लिए तैयार रहेगा, और मोर और लेस थोड़े टाइम में ये पेंट जॉब भी चला जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखी इसमें एज अ प्रॉब्लम, वो ये है कि यहां से टेम्पर्ड ग्लास उखड़ गया है। हालांकि कवर हमने सही तरीके से पुट ऑन किया। और एक चीज और दिखाऊंगा कि बॉटम में ऐसा भी नहीं कि हमारे पास स्कोप है टेम्पर्ड ग्लास को और नीचे की तरफ शिफ्ट करने के लिए। तो अगर आप ये कवर पसंद करेंगे, जो कि मेरी तरफ से रेकमेंडेड रहेगा, प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा कि टेम्पर्ड ग्लास या तो वो लीजिएगा जिसमें ब्लैक बॉर्डर्स नहीं है, ताकि इस तरीके से उखड़े ना, या टेम्पर्ड ग्लास तभी लीजिएगा जब आपके पास एक कवर हो, ताकि आप एक बार लोकली चेक कर लें टेम्पर्ड ग्लास खरीदने से पहले। वंस अगेन, ये कवर हमारी तरफ से रेकमेंडेड रहेगा इस प्राइस पे, बेझिझक इसे आप खरीदेगा। आप देख सकते हैं कि ये मैट फिनिश में है, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, पर ये बिल्कुल भी थिक नहीं है। आप देख सकते हैं
इस कवर के साथ मुझे कंक्लूड करना आसान रहेगा कि आपको इसमें कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, कोई उभार नहीं है, ये ना के बराबर है दोस्तों। बॉटम में भी आप देख सकते हैं कि कोई प्रोटेक्शन नहीं, साइड्स भी कटआउट हैं इस तरीके से, आपको कोई एयर पॉकेट नहीं मिलती। हाँ, इस बार बटन क्लोज है, लेकिन ये बहुत कमजोर एरिया होता है और ये जल्दी टूट जाते हैं। देख सकते हैं कि अभी मैं ऐसे कर रहा हूं तो उस तरफ से कितना उठ रहा है। फटाफट से इसे भी पुट ऑन कर लेते हैं और एक फाइनल कॉल ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, टेम्पर्ड ग्लास है हमारा और ये कवर, कि ये कवर से ऊपर है तो आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन तो किसी भी प्रकार की नहीं मिलेगी। आइए बात करते हैं कैमरा प्रोटेक्शन की, जो कि अगेन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत रिस्की रहेगा लेना। टेम्पर्ड ग्लास लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देख सकते हैं कि बहुत रूम है और जैसे कि मैंने पहले बताया कवर वे शॉर्ट है स्क्रीन से, तो आप कोई भी टेम्पर्ड ग्लास आसानी से लगवा सकते हैं। आप मैट कवर पसंद करते हैं तो आप इसे कुछ टाइम के लिए यूज करें, एज एन इट शुड नॉट बी योर डेली ड्राइवर। रियर में कोई पोर्ट क्लोजर नहीं है और ये पैनल कुछ ज्यादा ही ओपन है। सिमिलरली टॉप पे भी कटआउट्स सही हैं, कोई इशू नहीं कटआउट्स के साथ। ऑल इन ऑल हम इस कवर को रेकमेंड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि एट द एंड वी वुड नॉट लाइक टू यू नो आप इतना खर्चा करें और फिर फोन गिरने पे टूट जाए या कुछ प्रॉब्लम आए, सो इससे दूर ही रहिएगा। यहां आपको ब्रांडिंग मिल जाती है यूनियन लिखा हुआ, जो कि ये हट जाएगा। ये थोड़ा सा नीटली हो सकता था। ओवरऑल जो बाहर मटेरियल भी यूज किया गया है, इसमें कुशनिंग ठीक ठाक सी है, लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि ये काफी फर्म है, ये आसानी से मुड़ने नहीं वाला। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करूं तो ये काफी डीप है। हाउएवर ये सेक्शन गलत कटा है, हमने नोट 8 प्रो का मंगवाया था, सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि सेलर ने ये गलत पीस भेजा। आई होप दे कुड हैव सेंट इट द राइट वन, हम इसे डेफिनेटली रिव्यू करते। लेकिन मुझे एक चीज जो अभी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत कवर रिव्यूज किए हैं दोस्तों, कि ये काफी डीप है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये कवर लेंगे, आई एम डेड श्योर कि आपको प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया मिलने वाली है, क्योंकि कुछ कवर्स कभी कभी यहाँ से कवर नहीं होते और इधर से भी नहीं, तो ये इधर से भी कवर है, यहाँ से भी। आई थिंक दे माइट हैव सेंड इट फॉर नोट 8। तो मेरी तरफ से मैं ये बोलूंगा अपने तजुर्बे से, आप एक बार ही को ये मंगवा सकते हैं, क्योंकि इजिली रिटर्न हो जाता है अमेजोन पे, आपको नहीं पसंद आए। बट ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये कुशनिंग बहुत अच्छी है, कलर मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा, आपको प्रोटेक्शन अच्छी मिलेगी। इनसाइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिलती है कार्ड के लिए, और ये ओवरऑल मटेरियल अच्छा है, ये भी काफ़ी थिक है, आप देख सकते हैं कि मैं एक बार फोकस करता हूँ, इसका मटेरियल भी अच्छा खासा उन्होंने यूज़ किया है, थिकनेस इज रियली गुड। सॉरी फ्रेंड्स, फोकसिंग में थोड़ी सी इशू आ रही है। यस, एक चीज़ अच्छी और जो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटा सा कटआउट दिया है इन्होंने, जो कि स्पीकर पे कोई प्रॉब्लम ना आए, एज इन आवाज़ दबे नहीं, जो कि एक अच्छा थॉट प्रोसेस है। सो आई एम डेड श्योर कि अगर ये नोट 8 प्रो का होता तो हम इसे डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं। दोस्तों इसको देखते ही सबसे पहली चीज जो दिमाग में आई कि ये तो कवरों की चड्डी लग रहा है, आप देख सकते हैं, बट हम इसे पहली बार ही रिव्यू करेंगे तो देखते हैं। फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं, बहुत ही मिनिमम बम्प, भूल जाइए कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी, इधर भी ओके टाइप्स, ये लगता है बनाना भूल गए लोग। टॉप में कुछ कटआउट्स, तो चलिए इसे पुट ऑन करते हैं और फाइनल कॉल लेते हैं। इस कवर की बात करें तो आपको साइड में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, कैमरा प्रोटेक्शन भी नहीं है, आप देख सकते हैं आराम से, ये बिल्कुल नेक टू नेक है। इस तरफ फिर भी कहूंगा थोड़ी सी गहराई है, बट यहां पे तो एकदम नेक टू नेक है। पोर्ट क्लोजर नहीं है, लेकिन कटआउट्स परफेक्ट हैं। अगर हम टॉप सेक्शन की बात करें तो यहां भी कटआउट प्रॉपर है। स्पीकर ग्रिल चिप नहीं रही और नोटिफिकेशन लाइट आराम से दिख रही है, सो यहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी टेम्पर्ड ग्लास लगाइए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी,
ना ही टेम्पर्ड ग्लास को कोई प्रोटेक्शन है, तो टेम्पर्ड ग्लास का टूटना तय है। अगर ये ग्लास बेस्ड है, एज इन इफ इट्स शीट बेस्ड, तो ये नहीं टूटेगा, बट देन स्क्रैची डेफिनेटली हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें लुक डेफिनेटली आ रही है, मैं एक बार फ्लैश ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं। बट ये मैट फिनिश्ड है, तो जो एक स्ट्रीक बनती है वो शायद आपको बहुत प्रोमिनेंटली नहीं दिखे। एक बार फिर से कैमरा प्रोटेक्शन दिखा दूं। सो ऑल इन ऑल वंस अगेन, ये कवर दोस्तों इट्स नो फॉर शो मोर देन अ गो। इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हमारी प्रायोरिटी रहती है प्रोटेक्शन। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका फोन गिरे, आपके फोन का बेजल क्रैक हो या कैमरा क्रैक हो या स्क्रीन क्रैक हो, और एट द एंड आप 2-4 हज़ार रुपये और लगाएं। बट अगर आप कीन हैं ऐसा रिस्क लेने के लिए, आपको ये पसंद आ रहा है क्योंकि आप लुक देख सकते हैं इस कवर की कैसी आएगी, एज इन हाउ द फोन विल लुक पोस्ट पुटिंग दिस, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये लेना है या नहीं। बट मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों। ये कवर्स आइडेंटिकल हैं और डिफरेंट कंपनीज द्वारा डिफरेंट रेट पे सेल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस जगह आपको इसका बेहतर प्राइस मिलेगा, आप वहीं से लीजिएगा। मैं एक बार आपको फिजिकल ओवरव्यू दिखा देता हूं और कि ये आइडेंटिकल है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये हूबहू सेम है। अब अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, आपको बॉटम में कोई पोर्ट क्लोजर नहीं मिलेगा, आपको ये कार्बन फाइबर फील के साथ दिया जाता है, कुछ स्ट्रीक्स के टचेस जो कि अच्छे लगेंगे आपको। यहाँ पे एकदम ये मैट फिनिश है, बटन्स एक ओपनिंग है जो थोड़ा सा अच्छा टच देगी। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी उंगली आपको बटन के थ्रू नज़र आ रही होगी। इंटरनली एयर पॉकेट्स जो हैं वो लगभग ना के बराबर है, थोड़ा सा सेक्शन बनाया हुआ है, बट आई थिंक ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि डायरेक्टली बेजल अंदर के पोर्शन से टच नहीं करेगा जो कि एक्स के अंदर का हिस्सा है। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं, ठीक ठाक सा ही है। ये ग्रिप देने के लिए पैटर्न बना है। चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। करते हैं कैमरा प्रोटेक्शन से। प्रोटेक्शन ठीक ठाक सी है, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। आप देख सकते हैं कि कितना उभार है विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा मॉड्यूल, ये अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। जितना ये हिस्सा कवर हो रहा है, अगर काश इतना ये भी होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आई थिंक ये थोड़ा सा और प्रोट्रूड करना चाहिए था, हालांकि ये एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है। आपको कैमरा प्रोटेक्टर डेफिनेटली लगवाना पड़ेगा अगर आप ये कवर फाइनल करते हैं। कटआउट्स परफेक्ट हैं इधर भी और इस तरफ भी। ये जो बटन्स हैं ये सिमिलर स्टाइल पे हैं कि थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे इसको अपारदर्शी रखा है, एज इन डिज़ाइन दिया है। आप देख सकते हैं कि आपको बटन शाइन करता हुआ दिखेगा। अच्छी बात यह है कि ये चार तरफ से इंटैक्ट है, सो इधर से, यहाँ से और इन दोनों तरफ से, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हालांकि ये भी थोड़े टाइम पे अगर लूज़ होते हैं, आई थिंक 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव कर जाएंगे आराम से। अगर मैं बात करूँ स्पीकर ग्रिल की, वो हिंडर्ड नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट ठीक से दिख रही है। स्क्रीन प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, आप देख सकते हैं कि उभार कितना है, बहुत ही मिनिमल उभार है, देख सकते हैं आप ध्यान से देखिए इधर। जहां तक टेम्पर्ड ग्लास लगाने की बात है, ये टेम्पर्ड ग्लास इस पे परफेक्टली फिट हुआ है, जो कि एक बढ़िया चीज है। सो उस पर्सपेक्टिव से आपको कोई इशू नहीं आने वाला। इनफैक्ट जितने टेम्पर्ड ग्लास हमने रिव्यू किए, मेरे हिसाब से ये वाला उन सब में थोड़ा सा लेंदी ही था, तो आप देख सकते हैं कि ये टेम्पर्ड ग्लास को नहीं उठाएगा। तो क्या कहते हो आप लोग, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? जहाँ तक इस कवर का सवाल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मटेरियल की थिकनेस बहुत अच्छी है, ये बम्प्स को आराम से सोख लेगा। इनफैक्ट जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, हालांकि वो एम्पल नहीं है बट स्टिल इट इज़ देयर, यहाँ पर भी अच्छी डिसेंट थिकनेस मिल जाती है। इस पर आप कैमरा प्रोटेक्टर लगाइए और इसे यूज़ कीजिए, आई एम श्योर यू विल बी सेटिस्फाइड। बहरहाल जहाँ तक स्क्रीन प्रोटेक्शन का सवाल है, हमने देखा अगर थोड़ी सी और होती तो बढ़िया था,
बट एट दिस प्राइस विथ सम कॉशन इट्स अ गुड कवर, हल्का सा ध्यान रखेंगे तो आप इसे लॉन्ग टर्म पे यूज़ कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हम इसे रेकमेंड करेंगे, थोड़ी सी कॉशस के साथ यूज़ कीजिएगा। फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। जहां तक इस कवर का सवाल है, ये हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। ये बल्कि जरूर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वेट में, पर आपको जो ये प्रोटेक्शन मिलती है वो कमाल की मिलती है। आप देख सकते हैं ये बम्पर्स बने हैं जो आपको चारों तरफ मिलेंगे। इसमें आपको एयर पॉकेट्स मिल रही हैं डिसेंट सी, अंदर भी एक पैटर्न मिल रहा है। बट फॉर अ सरप्राइज, इस बार यहाँ पे पोर्ट क्लोजर नहीं है, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए निराशाजनक है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी कवर्स ऐसे रिव्यू किए सब में यहाँ पे पोर्ट क्लोजर्स हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं कि Vivo Z1 X की वीडियो हमने बनाई है Redmi K20 Pro के कवर्स से, सब में हमें यहाँ पे पोर्ट क्लोजर मिले, समाव इसमें नहीं है। बट एनी विच वेज, चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। इस कवर में आपको टॉप में और बॉटम में कार्बन फाइबर का टच दिया जाता है। इट्स नॉट एक्चुअल कार्बन फाइबर, बट वैसा सा पैटर्न है, और ये प्लास्टिक पैनल होता है पॉलीकार्बोनेट का, जो इसको प्रोटेक्शन एक तरह से देता है, एंड इट एनहांसेस द लुक्स एज वेल। ये कवर जैसे ही पुट ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है कोई ट्रांसफॉर्मर्स का डिवाइस आपके हाथ में आ गया है। फोन की लुक्स इस कदर एनहांस हो जाती है, आप देख सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कवर्स। अगर मैं रिव्यू पर्सपेक्टिव से बात करना शुरू करूं तो आपको कैमरा प्रोटेक्शन कमाल की मिलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी गहरा है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। आप डिफरेंस देखिए ब्लेड और कैमरा मॉड्यूल के बीच में, जो कि बहुत बढ़िया है। अभी तक का एक्सीलेंट कैमरा प्रोटेक्शन है इसमें, जितने भी कवर्स हमने रिव्यू किए। ये निराशाजनक है कि इन्होंने यहाँ पे क्लोजर्स नहीं दिए। ये कटआउट्स परफेक्ट हैं, टॉप में भी कटआउट्स परफेक्ट हैं, ये काफ़ी कुशनी भी है। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ, स्पीकर ग्रिल परफेक्टली आपको नज़र आती हुई, नोटिफिकेशन लाइट, कैमरा मॉड्यूल, और आप टेम्पर्ड ग्लास कोई भी लगवाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि टॉप और बॉटम हर जगह एम्पल जगह छूटी हुई है। एक चीज़ और जो मुझे अच्छी लगी, डिस्पाइट यहाँ पे पोर्ट क्लोजर नहीं दिया, जो स्पीकर ग्रिल है अब वो यहाँ पे कवर होगी, जो जो आवाज़ आएगी वो इधर से आएगी, सो जो साउंड है वो यहाँ से पास होगी। आई होप ये ओवरऑल इम्पैक्ट ना डाले। आइए ये टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों ये आवाज को दबा रहा है, आप देखिए ध्यान से। मैं एक और टोन लगाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। समझिए आपने ये ट्राउजर में रखा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि पोर्स बहुत छोटे हैं, आप देख सकते हैं कि कितने छोटे हैं, आवाज में फर्क भी आता। देखिए ये थोड़ी सी दब गई, तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। ऑल इन ऑल इस कवर की बात करूं, मेरी तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड है, क्योंकि दोस्तों देखिए कुछ ना कुछ कमी हर एक में है। कोई भी कवर आप पिक कर लीजिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो फार जितने कवर्स रिव्यू किए हम इसे नंबर 1 पे रखेंगे, चाहे वो ये हो या फिर ये दोनों। आई थिंक सो फार नॉन ट्रांसपेरेंट में मैं इसको नंबर 1 पे रखूंगा। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ी सी आवाज कम जरूर हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा, बट ये मस्ट रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। बेझिझक खरीदिए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों फिर से ये कवर्स सिमिलर हैं जैसे हमने पहले देखा, और इंटेंट वंस अगेन यही है कि आप लोग को बताया जाए कि कई सेलर सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल सेलर्स पे देखिए और बेस्ट रेट पे जो मिले वो लीजिए। ये एकदम आइडेंटिकल है, आप देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। फिजिकल ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। आपको कैमरा मॉड्यूल की तरफ ये बम्प मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। कोई पोर्ट क्लोजर नहीं, ये
स्टैंड कवर है तो आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कि मीडिया कंजम्पशन में बहुत हेल्प करता है। यहाँ भी आपको रबराइज्ड कुशनिंग मिल जाती है, जो एक अच्छी बात है। एयर पॉकेट्स नहीं है। हम फटाफट से फोन डालते हैं और रिव्यू में देखते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं और क्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैमरा मॉड्यूल की प्रोटेक्शन से। आप देख सकते हैं कि ये डिसेंट सी है। मैं एक बारी इस तरीके से रखना चाहूंगा ब्लेड को, सो आप देखिएगा। बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन थोड़ा सा ब्लेड मैं नहीं रख पा रहा, बट हाँ ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये डिसेंट सी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। सो कैमरा प्रोटेक्टर इज अ मस्ट इन दिस कवर। आपको कोई पोर्ट क्लोजर नहीं मिलता बटन्स का, एज इन ये कटआउट्स एकदम परफेक्ट हैं टॉप में भी। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो ये भी डिसेंट सी है, ओके टाइप्स है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं। स्पीकर ग्रिल प्रॉपरली दिखती हुई, नोटिफिकेशन लाइट, कैमरा मॉड्यूल, आप कोई भी टेम्पर्ड ग्लास लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप आराम से, बहुत जगह है। साइड्स में टॉप साइड पे, लेफ्ट एंड बॉटम। कवर अच्छा है दोस्तों, प्रोटेक्शन अच्छी मिलेगी, खासकर कॉर्नर्स की, क्योंकि यहाँ पे भी रबर है। ये एरिया प्लास्टिक का है लेकिन ये सेक्शन अगेन रबर का हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रबर है, ये प्लास्टिक है, अगर आप क्लैरिटी नहीं मिले तो ऐसे देख लेते हैं, बच गया। सो ये प्लास्टिक है, ये रबर है, अगेन यहाँ पे आपको रबर मिल जाता है। सो अदरवाइज कॉर्नर प्रोटेक्शन अच्छी है, आपको कैमरा प्रोटेक्शन ज़रूर देनी पड़ेगी। हमारी तरफ से कवर रेकमेंडेड रहेगा, बशर्ते आप इस पे कैमरा प्रोटेक्टर लगवाएं। अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो आप इस कवर के साथ जा सकते हैं। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, कवर्स परफेक्ट नहीं होते, हर एक में कुछ ना कुछ फ्लॉ है, इसमें आपको ये स्टैंड नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लगा है। अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, जो कि लगभग विद इन अ वीक टाइम होगी, क्योंकि काफ़ी एडिटिंग रहती है और क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाते हैं तो टाइम लगता है। लेकिन इस बार हम लेके आएंगे कुछ दिग्गज, जैसे कि रिंग, कैपेवर, रियल केस, फोर्टिफाई जैसे कवर्स। वंस अगेन आपको मटेरियल बहुत बढ़िया मिलेगा, और जहाँ तक इन कवर्स का सवाल है, ये ट्रांसपेरेंट के साथ साथ बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन देते हैं। इन वीडियोस के साथ हम पैरेलली टेम्पर्ड ग्लास की वीडियो पे भी काम कर रहे हैं। हमने 5 टेम्पर्ड ग्लास खरीदे हैं, और इनफैक्ट जो कवर्स भी हैं हमने परचेज किए हैं। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो हमें रिव्यू के लिए दिया गया हो, तो फीडबैक अनबायस्ड रहेगा। आता हूँ वापस टेम्पर्ड ग्लासेस पे। तो ये 5 टेम्पर्ड ग्लासेस हैं, हम इसकी वीडियो बनाएंगे, हर स्पेक्ट्रम से हैं प्राइस के, 250, 150, 200, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि कौन सा टेम्पर्ड ग्लास कितना अच्छा है, बेजल कितने चौड़े हैं, उसके ऊपर की कटिंग कैसी है, कितना स्क्रीन कवर करेगा, ये सब एस्पेक्ट हम टच बेस करेंगे, वो वीडियो भी जल्दी आएगी। सो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा फॉर ऑल, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिले। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिलीज जिसके साथ आप कर सकें, सो दैट चैनल ग्रो करे, और आपका बहुत बड़ा हाथ रहता है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, मैं इसको तहे दिल से मानता हूँ। आपकी कोई क्वेरी हो मुझे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। आपके सुझाव हमें ज़रूर हेल्प करते हैं, सो कीप सेंडिंग दोज एज वेल। टेक केयर, मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे थे फॉर लव ऑफ गैजेट्स। जय हिंद, नमस्कार।